बचाया मुझे मर जाने दे होता। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया कि तुम मेरा एक काम कर सको। तुझे मजाक सोच रही है? मैं अपनी जान देने आया हूँ और तुम मुझे बचाकर अपना काम करना चाहता है, और क्यों करूँ मैं तेरा काम? मैं तुझे पहचानता भी नहीं हूँ। और हाँ, जो अपना काम है ना किसी और से करवा लेना। अरे भाई, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं, इसलिए प्लीज मेरी मदद कर दो। देख भाई, मेरा मगज भी खराब है, ज्यादा खराब मत कर, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी जगह तेरी मौत हो जावे। मुझे पता है कि अभी तुम गुस्से में हो, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन भाई तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तू और मेरी मदद, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, और तू भी नहीं। एक बात पूछूं? हाँ। नो प्रॉब्लम। हाँ। लेकिन तुझे क्या? भाई, मैंने भी प्यार के लिए सब कुछ किया है, लेकिन आज मैं प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट मेरे घर है, पर मैं घर जा नहीं सकता क्योंकि मैंने घर छोड़ दिया है। तुम कुछ भी करके मुझे वो डॉक्यूमेंट ला दो प्लीज। प्लीज भाई। ठीक है, कहाँ जाना है? चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, तुम्हें अपना घर दिखा दूंगा। और हाँ, मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो मेरी बैग में व्हाइट कवर में है, तुम कुछ भी करके मुझे वो डॉक्यूमेंट ला देना, और मैं तुम्हारा घर के बाहर वेट करूँगा। ठीक है, चलो। किसका काम है? अंकल, मैं महिंद्र का फ्रेंड हूँ और उसके पास कुछ मेरी किताबें पड़ी है, आप दोगे प्लीज? आ जा। अंकल, एक गिलास पानी मिलेगा? लाता हूं। अंकल, महेंद्र कहाँ है? कॉलेज भी नहीं आता, फोन भी बंद है उसका, दिखता नहीं। वो होगा कहीं, वो किसी को परेशान करता होगा।
किसी को विश्वास में लेकर फिर धोखा देगा। धोखा? धोखा ही तो दिया उसने। आजकल के लड़कों को कुछ बोल नहीं सकते। तू कुछ नहीं जानता भाई कि हम पे क्या बीती है। जब तू सुनेगा ना तुझे भी उस पे गुस्सा आएगा। क्या हमको कहने का कोई हक नहीं तुम लोगों को? हम अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हें जीने का कुछ नहीं कह सकते? पूरी दुनिया तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चले ऐसा सोचते हो तुम? तेरा दोस्त एक लड़की के प्यार में था और लड़की के लिए उसने घर छोड़ दिया। What? क्या बात कर रहे हो? उसने लड़की के लिए घर तो छोड़ ही दिया, दोनों भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन वो लड़की नहीं है। उसने घर को छोड़ ही दिया, उसका हमें अफसोस था, लेकिन उसने तो दुनिया ही छोड़ दी। तू होता तो तू ऐसा करता? क्या जानो तुम लोग एक बाप के ऊपर क्या बीती, जब अपने बच्चे का जनाजा अपने कंधों पर लेता है। आजकल के बच्चे क्या जानो एक बाप पे क्या बीती, जब उसके बच्चे की लाश पड़ी हो वो भी टुकड़ों में। तू भी आत्महत्या करने गया था ना बेटा? तुम लोग एक दो साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, लेकिन उनके प्यार का क्या जो तुम्हें छोटे से बड़ा कर दे? उनके प्यार का तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं? आत्महत्या करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, उसका डटकर सामना करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं अब अपने मम्मी डैडी की खुशी के लिए जीऊंगा। हाँ बेटा।